हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक कंडीशन सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा करके, और मैं आपको समझाऊंगा कि उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ये दिस इज़ द गेट ऑफ माई ऑफिस। ये मेरे ऑफिस का गेट है। जब मैं इस गेट को खोलता हूँ तो यानी कि गेट अभी इस समय ये क्या है, ये इस समय अभी खुला है। और जब अभी इस समय ये अब क्या है, ये अब इस समय बंद है। तो जब दरवाज़ा बंद होता है तब हम उसे इंग्लिश में कहते हैं द डोर इज क्लोज्ड। द डोर इज क्लोज्ड, क्लोज नहीं होता, क्लोज्ड होता है, क्योंकि वो इस गेट की बंद होने के थर्ड फॉर्म है, यानी कि इस गेट का एडजेक्टिव है। जैसे हम क्लोज ना कह के उसे हम क्लोज्ड कहते हैं। तो अगर इस कंडीशन में आपका डोर है तो आप उसे कहते हैं द डोर इज क्लोज्ड या द गेट इज क्लोज्ड। आगे यदि अगर गेट क्लोज्ड नहीं है और इस तरीके से ये खुला है तो फिर उसे इंग्लिश में कहा जाता है द डोर इज ओपनड। जब डोर खुला हुआ है तो हम कहते हैं द डोर इज ओपनड, और जब डोर बंद है तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं द डोर इज क्लोज्ड। अब जैसे मैं गेट को खोल रहा हूँ, मैं गेट को खोल रहा हूँ तो इट मीन्स ये है कि मैं गेट खोलने का मैं एक्शन कर रहा हूँ। तो मैं एक्शन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं डूअर हुआ। तो मैं क्या अंग्रेजी आई, और आई के साथ में प्रेजेंट टाइम में मैं खोल रहा हूँ तो आई के साथ में एम आता है, और जब मैं खोल रहा हूँ तो ओपन कर रहा हूँ डोर को। तो आई एम ओपन के साथ में आएगा आई एन जी, यानी कि हो जाएगा ओपनिंग। आई एम ओपनिंग द डोर सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो होता है आई एम ओपनिंग द डोर, मैं बंद कर रहा हूँ तो आई एम क्लोजिंग द डोर। दरवाज़ा बंद है तो आप कहते हैं द डोर इज क्लोज्ड या द गेट इज क्लोज्ड, या आप यूँ भी कह सकते हैं द डोर इज ओपनड, या आप यूँ कह सकते हैं कि इज क्लोज्ड या डोर इज ओपनड। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।